हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशंजीत और स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल प्रोस प्रेजेंट पर। दोस्तों, आज हम हमारे इंडियन रेलवेज की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को हिंदी में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और शॉर्ट में NFR और NF रेलवे भी कहा जाता है। और ये जोन इंडियन रेलवेज की 18 जोनों में से एक जोन है, जिसकी हेडक्वार्टर असम राज्य के गुवाहाटी शहर की मालीगांव में स्थित है। ये जोन पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्ट बंगाल और बिहार की कुछ हिस्सों में अपना सेवा प्रदान करती है। और दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन की टोटल ट्रैक की लंबाई ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर है, जिसके पास 537 स्टेशन है। ये जोन हर साल ऑलमोस्ट 21,000 मिलियन रेवेन्यू जेनरेट करता है। और दोस्तों, इस जोन की सभी रूटों को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया है। सिर्फ एक ही नैरो गेज का रूट है, जिसको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के नाम पे जाना जाता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को सन 1999 में UNESCO की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। हो सकता है इसी कारण नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की इस रूट को हमेशा नैरो गेज पर ही चलाया जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की ज्यादातर रूट अभी भी अनइलेक्ट्रिफाइड है। इन सभी रूटों को इलेक्ट्रिफाइड करने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। और दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की ज्यादातर अंश पहाड़ी होने के कारण ये जोन इंडियन रेलवेज की बाकी जोनों जैसा डेवलप नहीं हो पाया है। और इस जोन के अंतर्गत आने वाला असम राज्य में हर साल फ्लड से भी रेलवे को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ये भी एक कारण हो सकता है इस जोन का डेवलप ना होने का। और दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का गठन करने से पहले नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन ही ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की रेलवे को संचालित करता था। इसके बाद 15 जनवरी 1958 को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन को दो शाखाओं में बांट दिया गया, जिसको अभी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के नाम पे जाना जाता है, ताकि नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्सों को जरूरत के अनुसार बेहतर सेवा प्रदान कर सके। और दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन को 5 डिवीजनों में बांटा गया है, जिनमें कटिहार डिवीजन, अलीपुरद्वार डिवीजन, लामडिंग डिवीजन, रंगिया डिवीजन और तिनसुकिया डिवीजन आता है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि असम राज्य की सिलचर में एक और डिवीजन स्थापित किया जा रहा है, जिसमें लामडिंग डिवीजन को विभाजित करके बनाया जा रहा है। और लामडिंग डिवीजन के अंतर्गत लामडिंग बदरपुर रूट एक ऐसा रूट है जहां आपको एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन मिलता है। इस रूट पर आप लोगों को धीमी गति पर चलती ट्रेन से प्रकृति का दुर्लभ नजारा देखने को मिलता है। घने जंगलों के बीच बड़े बड़े पहाड़ पर्वत होते हुए ट्रेन चलती है। और इस रूट पर कुछ रेल टनल यानी सुरंग भी मिलता है। ये सभी चीजें इस रूट की सफर को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। बात करूं अगर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले कुछ मेजर सेक्शनों की, तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं न्यू बोंगाईगांव गुवाहाटी सेक्शन, न्यू जलपाईगुड़ी न्यू बोंगाईगांव सेक्शन, कटिहार सिलीगुड़ी सेक्शन, रंगिया मुरकोंगसेलेक सेक्शन, गुवाहाटी लामडिंग सेक्शन, लामडिंग डिब्रुगढ़ सेक्शन, लामडिंग बदरपुर सेक्शन, ऐसा कुछ और भी सेक्शन है। और दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरह सोलर पावर से चलने वाला भारत का पहला स्टेशन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ ही खत्म करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों का कुछ सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल की आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।